हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको हैप्पी दिवाली। तो दिवाली के मौके पर आइए हम सब मिलकर सफाई करते हैं। जी हाँ, सफाई अपने धर्म से इन ढोंगी बाबाओं की सफाई, जिन्होंने भगवान के नाम पर हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रखा है। वैसे तो हर धर्म में ऐसे ढोंगी मिल जाएंगे, लेकिन एक सनातनी होने के नाते मुझे मेरे धर्म में ऐसे ढोंगी लोगों की सफाई करनी है, क्योंकि इन लोगों ने मेरे धर्म में बहुत गंदगी फैला रखी है। जब बात भगवान की आती है तो दुनिया में तीन टाइप के लोग होते हैं। पहले आस्तिक, भगवान में मानने वाले, दूसरे नास्तिक, भगवान में ना मानने वाले, और तीसरे ढोंगी, भगवान के नाम पे दूसरों को लूटने वाले। देख माता की तेरी संगत बैठी है, सारे एक एक थापड़ा मारेंगे, तू थापड़े भी ना गिर सकेगा, अपने देख ले। अब ये देखो, श्रेडेड जींस, स्नूप डॉग की टी शर्ट, टैटूज वाले बाबा जी जो कि भूत भगा रहे हैं। अरे बाबा जी, कम से कम माथे पर तिलक ही लगा लेते, थोड़ा कम ढोंगी लगते तुम। अच्छा, लगा लिया तिलक, चलो अब बोलो। हमारे पूर्व जन्म में हमारा नाम ओको था। हाँ, और मेरा नाम डोरेमोन था। मैं सुसाइड किया था पिछले दिनों जी, अभी भी निशान है, दिखा सकता हूँ। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं शीश को यहाँ से। अबे, सुसाइड पिछले जन्म किया था या पिछले साल किया था जो अभी तक निशान बने हुए हैं? और ये कौन सा चमत्कारी छुरा है जिसका निशान मरने के बाद भी नहीं जा रहा है? माता दी, आज ये वीडियो किसी चूतिए माधरजोत के लिए है जो लोगों से भीख मांग रहा है हमारे। अब तुम लोग ही देख लो किस किस को हमारे देश के लोगों ने संत और महात्मा का दर्जा दे रखा है। जब ऑन कैमरा ये ऐसा है तो ऑफ कैमरा कैसा होगा, तुम खुद ही सोच लो। इसके खुद के गुस्से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और ये भूत आत्मा कंट्रोल करेंगे। वैसे सूत्रों की माने तो बाबा जी पहले टिकटॉक पे वीडियोस बनाया करते थे, लेकिन वहां कुछ खास सफलता मिली नहीं तो बाबा जी आ गए धर्म के धंधे में, क्योंकि यहां होता है कम इन्वेस्टमेंट और ज्यादा रिटर्न। अब ये देखो, सिगरेट वाली माता, इनके खुद के सस्ते नशे छूट नहीं रहे और ये लोगों को ज्ञान बांट रही कि मोह माया से दूर रहो। इनकी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, सब में माल फूकती हुई नजर आएंगी, और कमेंट सेक्शन इन्होंने बंद कर रखा है, तुम इनका कुछ उघाड़ भी नहीं पाओगे। नशे भले इन लोगों ने कर रखे हो, लेकिन बुद्धि तो भ्रष्ट उन लोगों की हो गई जिन्होंने ऐसे लोगों को गुरु और माता मान रखा है। कुछ लोग तो ऐसे चरसियों और नशेड़ियों को भगवान का रूप ही मान लेते हैं। तो आइए हम मिलते हैं एक बाबा कम डॉक्टर से, जिनका नाम है बोतल बाबा। तो बाबा जी किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं? कैंसर, टीबी, डायबिटीज, शुगर, बवासीर, खाज खुजली, सांस की बीमारी इत्यादि जो बीमारियां हैं जल्द से सही हो जाए। पहली बात तो बाबा जी, शुगर और डायबिटीज एक ही चीज होती है, और दूसरी बात, रोज देश में कैंसर से हजारों लोगों की जाने जाती हैं। अगर भगवान ने सच में तुम्हें शक्ति दे रखी है ना, तो उसका इस्तेमाल करो, उन लोगों को बचाओ, फालतू में बैठ के बकलोली मत करो। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में। ऐसे में देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। बीच में, हाथ हटा लो। कहाँ है? देखिए हो रहा है अभी। आप बताए? नहीं हो रहा है अभी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? बाबा जी ने बोला है दर्द नहीं हो रहा, तो मतलब नहीं हो रहा। क्या मतलब बॉडी तुम्हारी है, इसके बारे में तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा। दर्द हो रहा है बीच में? आप बता रहा। आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली। बाबा ने किया ना दो बार डिस, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि दर्द तुम्हारा खत्म हो चुका है? अरे वो बाबा है, और बाबा है अंतर्यामी, बाबा को सब पता है, बाबा से कुछ नहीं छिपा, बाबा जाने मन की बात। बढ़िया बढ़िया। इन बाबाओं ने धर्म को धंधा बना के रखा है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट लगभग ना के बराबर है, और रिटर्न इतना ज्यादा कि टेस्ला को भी पीछे छोड़ दे। इस बिजनेस में ना तो रिटायरमेंट है ना टैक्स है, ओनली पैसा प्रो मैक्स है। सच बोलूं तो आज की दुनिया में एक सच्चा गुरु संत महात्मा ढूंढना उतना ही कठिन है जितना सूरज पर इंसानों को ढूंढना। दो चार धर्म गुरुओं को छोड़ के मुझे तो अब सारे ढोंगी लगने लगे हैं। मेरे नजर में एक सच्चे गुरु में धर्म को लेकर जानकारी की कमी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर भगवान की भक्ति की कमी नहीं हो सकती। तो अब इन इंटरनेट वाले बाबाओं की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, अभिनव अरोरा का। बढ़िया बढ़िया। बेसिकली अभिनव अरोरा अभिनव अरोरा है ही नहीं, अभिनव अरोरा अपने पेरेंट्स के बिजनेस का एक प्रोडक्ट है। इसको जो बताया जाता है, जो समझाया जाता है, वो रट्टू तोते की तरह रट लेता है और वही ये बोलता है। ये एक ऐसी चीज है जो हमने अभिनव पर नहीं थोपी। सीरियसली ड्यूड, खाओ मैं कसम। अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है। यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो तो भक्ति नहीं है। यदि आप 50 साल की उम्र में हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तू आज भी स्कूल नहीं गया?
जब लोगों ने इसे थोड़ा ट्रोल करना शुरू किया कि ये स्कूल नहीं जाता क्या, तो फिर इसने हर जगह इंटरव्यू में ये बोलना शुरू कर दिया, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है, विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। इसके पेरेंट्स ने सोचा था कि इस बिजनेस में पैसा ही पैसा होगा, लेकिन अंकित भाई ने अपने चैनल ओनली देसी में इसके पेरेंट्स की सारी इन्वेस्टमेंट पे पानी फेर दिया। अंकित भाई ने इस पे काफी रिसर्च वीडियो बनाई है, तुम चेक कर सकते हो, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अपने किसी प्रिय जनों की उंगली काट करके खा सकते हैं। मेरी मम्मी के ना आने पर झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। ये इंटरनेट की दुनिया है, यहाँ चीजें दब सकती हैं लेकिन छुप नहीं सकती। ये सिर्फ एक अकेला नहीं है, अभी ऐसे और भी बच्चे हैं जिन्हें इस एज में स्कूल जाना चाहिए, लाइफ के एक्सपीरियंस लेने चाहिए, चीजें सीखनी चाहिए, लेकिन वो बस अपने पेरेंट्स के लिए एक बिजनेस प्रोडक्ट बन के रह गए हैं। और वर्स्ट पार्ट इसका ये है कि उन बच्चों को पता भी नहीं उनसे क्या छीना जा रहा है। औलाद की खाते किसी का हक मत खाओ, औलाद काबिल हुई तो खुद कमा ले। और लास्ट में यार मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि भगवान से हमारा डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, इसके लिए हमें किसी तीसरे इंसान की जरूरत नहीं होनी चाहिए। भक्ति करनी है तो भगवान से करो, ना कि इंसान से। और अगर कोई भी बाबा बोलता है उसकी पूजा करो तो ये सबसे बड़ा रेड अलर्ट है। बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने सपने पूरे करने में व्यस्त रहो।